सत श्री अकाल जी, मैं पुनीत, तुसे वेख रहे हो डेली पोस्ट पंजाबी। पंजाब वजारत की मीटिंग तो बाद चरणजीत सिंह चन्नी सीएम वालों प्रेस कॉन्फ्रेंस जिहड़ी आ ओह कीती जांदी आ ते इस दे विच वड्डे वड्डे ऐलान किए जाते हैं। सब दे विच तुहाडा जानना जरूरी है कि तुहाडे मतलब किहड़ा बयान है, किहड़ा ऐलान है जिहड़ा कि तुहानू फायदा पहुँचा सकता है, क्योंकि ऐलान तीन चार कुछ अजिहे वड्डे किए गए ने जिहड़े कि तुहाडे तक पहुँचाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो इन्हां ऐलानां ते एक नज़र मारनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तुहानू दस दईए कि देर रात नूं ही राजभवन दे विच एक मीटिंग हुंदी है सिद्धू ते चन्नी दी। उस तो बाद कुछ एक संकेत दिते जांदे ने, कुछ एजेंडिया नूं लैके सर्वसम्मति दी गल कीती जांदी है। कहा जांदा है कि जिहड़ा भी फैसला होएगा सर्वसम्मति नाल होएगा। ते अज वी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच वी हाई कमान दे रोल नूं दर्शाउंदिया होया, हाई कमान दे लीड रोल नूं दर्शाउंदिया होया, उन्होंने इन्नी गल कही है कि सिद्धू दे उपर वी हाई कमान है। सिद्धू ठीक है, सिद्धू नाल गलबात जिहड़ी आ कर ली जाएगी, सारा कुछ जिहड़ा है सही कर लिया जाएगा, मुद्दे बैठ के हल कर ले जाएंगे, पर सिद्धू दे उपर भी हाई कमान है, ये गल भुलनी नहीं चाहिए। हुण असी नज़र मारांगे कुछ अजिहे ऐलानां दे उत्ते जिहड़े कि वख वख कित्तियां नूं वख वख खेत्रां नूं प्रभावित करते ने। सब तो पहला जिहड़ा जिक्र करांगे असी मुलाजमां दा करांगे, दर्जा चार मुलाजमां दा करांगे, जिस बाबत उन्होंने कहा है कि दर्जा चार मुलाजमां दीआं हुण ठेके ते भर्तियां नहीं होणगीआं। दर्जा चार मुलाजमान की हुण सिर्फ ते सिर्फ रेगुलर भर्ती होएगी, इन्हां दी ठेके ते किसी भी तरह की कोई भर्ती जड़ी है वह नहीं की जाएगी। सो चौथा दर्जा मुलाजमान लैके वड्डा ऐलान जड़ा है वह सामने आया। सो नाल दे नाल जिहड़े एजेंडाज ने, क्योंकि सिद्धू ने कल जिहड़ी लैटर लिखी सी सोनिया गांधी नूं, उत्थे 13 नुकाती एजेंडिया दा जिक्र कीता सी, 18 नुकाती एजेंडिया दा जिक्र कीता सी, आप जिहड़ा जिक्र कीता सी जिहड़े अधूरे कम्मां दा जिक्र कीता सी उस च 13 पॉइंटर सन। उस बाबत उन्होंने कहा कि भावें 18 होवे भावें 13 नुकाती होवे, हाई कमान हर नुकते ते काम कर रहा है। उन्होंने कहा है कि पार्टी सुप्रीम है, सिद्धू दे वी उपर जिहड़ी है वह हाई कमान है। उस तो बाद जिहड़ा दूजा वड्डा ऐलान BSF दे अधिकार खेतर दे इजाफे नूं लैके जिहड़ा वह कीता गया, एक बार फिर तो खिलाफत जिहड़ी है जताई गई कि मुखालफत जिहड़ी जताई गई, कहा गया कि किसी भी तरह के नाल जिहड़ा ये मैटर हैगा स्टेट का मैटर हैगा इस दे विच केंद्र नूं दखल नहीं देता जाएगा। इस दे बाबत होर कैबिनेट मीटिंग जिहड़ी है दोबारा कैबिनेट मीटिंग जिहड़ी है सदी जाएगी, तो हो सकता है जे लोड़ पैण ते जे स्पैशल सैशन भी सदन की लोड़ पई तां सैशन भी सद्या जाएगा, पर किसी भी तरीके दे नाल पंजाब दे अधिकारां दे उत्ते पंजाब दे समर्था दे उत्ते किसी नूं भी ना तां दखल देन दिता जाएगा ते ना ही सवालिया निशान चक्कण दिता जाएगा। सो ये जिहड़े कुछ वड्डियां गल्लां ने कीतियां ने। इस तो अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिहड़ियां अहम गल्लां रहियां ओह पानी दे बिल नूं लैके रहियां। उन्होंने कहा कि असी पानी दा जिहड़ा बिल है वह फिक्स किया हैगा, पिंडां अते शहरां च पानी दे बिल नूं 50 रुपए जिहड़ी है 50 रुपए की गल उन्होंने की है, तो शहरों च पानी दे 700 करोड़ का बिल माफ करन दा फैसला है। सो वड्डा एक फैसला हैगा कि शहरों च पानी दे 700 करोड़ का बिल जिहड़ा है वह माफ करन नूं हामी जिहड़ी आ भरी गई हैगी आ। ते नाल इह वी कहा कि पंचायतों का बिजली का बिल जिहड़ा है वह माफ करांगे, पंचायतों का बिजली के बिल जड़े ने उन्होंने बिल्कुल लकीर वज गई, उन्होंने माफ कर दिया जाएगा। 1168 यानी 1168 करोड़ का बिजली का बकाया बिल माफ करन दी इत्थे गल की गई है। तो नाल ही उन्होंने ये भी कहा कि पिंडा च ट्यूबवैल कनैक्शन कट्टन की शिकायत मिली सी जिससे कि काम जड़ा है चल रहा है, तो बाकी खाली पोस्टा क्योंकि वक् वक् धरने प्रदर्शन जड़े ने हो रहे हैं, खाली पोस्टा लैके भी हो रहे हैं, लगातार मुलाजम जड़े यही कहते हैं कि पोस्टा खाली पई हैं पर सानू रखते नहीं। सो उन्होंने ये भी गल एक तरीके नाल दिलासा भी दिता, तो यह भी कहने की कोशिश की, थोड़ा नरम करने की कोशिश की। जिहड़े मुलाजम ने उन्होंने कहा कि खाली पोस्टा जड़ियां ने छेती भरिया जाएंगी, कुछ ही वक्त का इंतजार जड़ा है वह करना होएगा। सो ये जिहड़े वड्डे ऐलान रहे इस दे विच BSF दे अधिकार खेत्र भी शामिल है, इस बिजली के बिल भी शामिल है, इस पानी का बिल जड़ा है वह भी शामिल हैगा। सो ते नाल दे नाल हाई कमान नूं एक लीड एक बारी फिर तो दवाउण दी कोशिश जिहड़ी रही है वह चरणजीत सिंह चन्नी दी रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच सारे पत्रकार साहिबान दा मैं स्वागत करदा। असी अज कैबिनेट दे विच कुछ महत्वपूर्ण फैसले शहरां दे पिंडां दे लोकां वास्ते अच्छे फैसले ले है। मैं जब अपोजिशन लीडर सीगा तो साडे एक पिंड सी माजरा उत्थे मैनू बीबिया ने रोक लिया, अखे जी
चार दिन हो गए साडे पिंड दे विच पानी नहीं आया। खबर लगी सी गया मैं वैसे तां सी उत्थे बीबिया ने रोक लिया मैनू कहिंदी साडा कनैक्शन कट हो गया है। जिहड़ा साडा पिंड दा ट्यूबवैल है उहदा साडा बकाया जमा नहीं होया इस करके साडा कनैक्शन कट्टिया गया। साडा तां पानी रुकिया होया सानू नहाउण ते औखे है। कारण क्या सी कि पिंड की पंचायत टैंकी नूं चलाउंदी है। टैंकी का बिल काफी समय तो लमकिया होया सी पिंड समर्थ नहीं सी जमा कराउण दे और बिजली वाले कनैक्शन कट गए। तां तुसीं उहनां दिनां शायद फोटो भी अखबारां च देखी होवे मैं आप खंभे पर चढ़ के मैं कईआं नूं कहा यार लगा दो कनैक्शन मैं खड़ा कोई गल नहीं देख लांगे। लेकिन हर कोई डरदा चढ़े ना सरपंच नूं क्या हो गया ना मैं भी नहीं चढ़दा जी। अल्टीमेटली पानी का पिंड च पहुंचाउणा सी मैं आप खंभे पर चढ़ के उन्हां दा कनैक्शन लगाया। ये 2016 की गल है जब मैं ओपोजिशन लीडर सी। जब मैं सोचा सी कि जिस तरह असी किसानां दियां 50, 60, 100 या 200 हर पिंड दे विच मोटरां दा बिल माफ कीता होया है उसे तरह पिंड दे जिहड़े सिटीजन है चाहे वह किसी वर्ग के है उन्हां नूं जिहड़ी पानी दिंदी है मोटर उहदा भी बिल माफ करा। सेम शहरां विच भी है स्थिति। सो अज असी एक महत्वपूर्ण फैसले दे नाल शहरां दे विच जिहड़े पानी दे रेट है वह फ्लैट रेट कीता है ते उहदे विच 700 करोड़ रुपये दे बकाए है जिहड़े लोकां दे खड़े है 700 करोड़। समर्थ ना होण करके दे नहीं रहे लोग इस करके असी ओ 700 करोड़ रुपये पर अज लीक मार रहे हैं। पुराने पानी दे बकाए सारे शहरां दे माफ कर रहे हैं ते जेड़ा पानी दी टैंकी पर ट्यूबवैल लग्या होया मेरे खरड शहर दे विच मैं रहिंदा 45 ट्यूबवैल है उन्हां दे सारिआं दे बिल अगे तो पंजाब सरकार भरे करेगी ते कमेटियां ते उसका लोड नहीं पएगा लोकां ते उसका लोड नहीं पएगा। हुण रेट है जिहड़ा 125 तक गज दे प्लाट तक माप है वह उस तरह माप रहेगा लेकिन उस तो उपर दे जिहड़े है वह पहला वख वख रेट है 105 रुपये है फिर 150 है फिर 250 है फिर 300 है प्लाट दे साइज दे नाल वधदे है। उन्हां सारिआं नूं फ्लैट करके 105 रुपये जिहड़ा मिनीमम रेट है उहनूं भी असीं अध तों घट ले आए हैं। 50 रुपये असीं रेट फिक्स करता पूरे पंजाब दे विच सिर्फ 50 रुपये देंगे। इह भी साडी केंद्र सरकार दे नाल पंजाब सरकार ने पहला एक कमिटमेंट करी भी है कि जिहड़े सरकार दीआं केंद्र दीआं ग्रांटां आउंदीआं उह कहिंदे जी तुहानूं यूजर चार्जेस लेने पैणगे उस तहत सानू 50 रुपये मिनीमम लेने पैने इस करके असी 50 रुपये मिनीमम रेट जिहड़ा उह पिंडां अते शहरां वास्ते फिक्स कर रहे। इसे तरह एक बहुत बड़ी राहत शहरां दे हर वर्ग दे हर परिवार नूं असी दे रहे जिहड़ी कि 700 करोड़ रुपये असी उन्हां दा पानी दा बकाया माफ कर रहे हैं। ते नाल इस दे मैं तुहानूं दसणा चाहुंदा कि पिंडां दे विच पानी दीआं टैंकियां दे बिल जिहड़े कि पंचायतां दे खड़े है मेरे इलाके दा पिंड है घड़ूआ 1 करोड़ रुपया उन्हां दा पानी दा बकाया बिल खड़ा है बिजली दा ट्यूबवैल दा उन्हां दे ट्यूबवैलां दा 10-15 साल ते जमा नहीं हो रहा। सरपंच मेरे पास 30 दिन आ जांदा है कि जी साडा कनैक्शन कट्टण आ गए। सो ये जिहड़ा सरपंचां दे उपर पंचायतां दे उपर तलवार लमकदी रहिंदी इहनूं बिल्कुल खत्म कर रहे हैं। साडी कैबिनेट ने फैसला कर लिया FM साहब ने मंजूरी देती है ते असीं 1168 करोड़ रुपए दे बिजली दे बकाए बिल माफ कर रहे हैं पंचायतां दे पिंडां दे लोकां नूं राहत देण वास्ते। इहदे नाल ही पिछले बिल तक दा जिन्ना बकाया है पिंडां दे लोकां दा जिस तरह शहरां दे लोकां दा माफ कीता है चाहे वह किसी वर्ग दे है मैं क्लीयर कर देवां
आम तौर पर फिर कह देंगे जी फलाने किते किते ऐदा नहीं है। जेड़ा बंदा पिंड च वस रहा जेड़ा बंदा शहर च वस रहा उन्होंने पुराने बिजली के बिलों के बकाए है जेडे उन्हां पर अज असी लैन मारती है कैबिनेट कैबिनेट ने उन्हां तों अगे तो नहीं वसूले जाणगे। अगे तो पहला 166 रुपये बिजली पानी का बिल आउंदा है हर पिंड दे हर बसिंदे नूं हुण असी उहदा फ्लैट रेट करता है क्योंकि बिजली का जिहड़ा बिल है अगे नूं मोटर जिहड़ी चलदी है उहदा बिल सरकार ने देना अगे तों असी भरांगे बिजली बोर्ड नूं बिजली बोर्ड नूं तां पैसे देने पैणे पंजाब सरकार देगी ते लोकां दा 166 तो घट के सिर्फ उन्हां दा ऐसी खर्चा कैलकुलेट कीता है कि पिंड दे विच एक बंदा मोटर चलाउंदा है कदे मोटर खराब हो जांदी ठीक करनी पैंदी है कोई लीकेज हो जांदी छोटी मोटी 50 रुपये क्योंकि यह केंद्र सरकार दा एक कानून दे विच असीं बज्जे होए सानूं लाउणे पैंदे है इस करके 50 रुपये फ्लैट रेट ऐसी लोकां वास्ते करके दे रहे हां 50 रुपये च इह उन्हां नूं पानी मिलेगा 70% दी रिबेट है ऐसी उन्हां नूं देती है। अगे तो पंचायत ने पैसे नहीं जमा कराने बिजली दे सरकार उन्हां नूं देगी। ये दो वड्डियां राहतां मैं धन्नवादी हाँ अपनी कैबिनेट का अफसर साहबान का बड़ी सूझबूझ दे नाल और खास तौर पर फाइनांस डिपार्टमेंट का जिहड़ा कई साडे विरोधी कही जांदे खजाना खाली है जी ये है जी वह है जी पंजाब का खजाना कदे खाली नहीं हुंदा ना ऐसी खाली होण देना भरिया रहेगा और ऐसी पंजाब दे लोकां नूं सही प्रशासन और सही सहूलतां जिहड़ियां उहनां दीआं बणदीआं सही रेटां ते बिजली और पानी सीवरेज देण लई वचनबद्ध है सही और पढ़ाई है जिहड़ी उह वधिया क्वालिटी एजुकेशन देण लई वचनबद्ध है और असीं दवांगे। इसलिए एक फैसला ये दो फैसले मैं तुहानूं दस्से है जिहड़े वड्डे अज पंजाब सरकार वल्लों लिते गए है। एक होर फैसला है जिहड़ा अज असीं वड्डा लिया है हुण क्या करता सी कि जे चपड़ासी रिटायर हो गया तां पोस्ट वी नाले खत्म हो जाणी अगे नूं भर्ती नहीं करना जे करना है तां आउटसोर्स करना है आउटसोर्स किन्ना 5000 7000 या 10000 इहदे च किते गुजारा हुंदा जिस तो काम लेना है उहदा परिवार भी पढ़ना चाहिए ये सरकार की जिम्मेवारी है कि जिस तो काम लेना है सरकार ने या जेड़ा किते कोई काम किसे दे घर कर रहा या किसे दी दुकान ते कर रहा किसे दी इंडस्ट्री दे विच कर रहा उन्हूं गुजारे जोगे पैसे मिलन ये सरकार की जिम्मेवारी है ऐसी इंश्योर करना है। लेकिन जे असीं आप इस तरह करांगे कि आउटसोर्स दे बंदे रखांगे सारी उम्र उन्हां दे तलवार लटकदी रहिंदी जद तक नौकरी करदे रहिंदे कि अज कट ते कल कट ते जद मर्जी कट दो ये सिस्टम नूं असीं खत्म कर रहे हां। असीं फैसला कर लिया कि क्लास डी दीआं पोस्टां भी रेगुलर भर्ती होणगीआं ते असीं हुणे इन्हां नूं भर्ती शुरू करांगे इन्हां दी जिन्नीआं पोस्टां खाली है उह भरांगे। गरीब आदमी नूं भी मिडल क्लास दे आदमी नूं भी उन्ना ही हक है डी क्लास दे अफसर या कर्मचारी नूं भी उन्ना ही हक है जिन्ना आईएएस अफसर नूं है जिन्ना अफसरां नूं है कि जे अफसर रेगुलर भर्ती हुंदा है तां ड्राइवर भी रेगुलर भर्ती होना चाहिए ये असीं फैसला कीता। इस दे नाल ही मैं तुहानूं बेनती करना चाहुंदा कि कैबिनेट ने अज बड़ा सीरियस व्यू लिया है जिहड़ा बीएसएफ ते सीआरपी केंद्र सरकार ने तुहानूं पता है कि उहदा दायरा 50 किलोमीटर कर दिता है। कैबिनेट कुछ दिनां दे विच दुबारे इस ते स्पैशल असीं कैबिनेट मीटिंग बुला रहे असीं इस गल तो बिल्कुल खिलाफ है कि इस तरह के फैसले पंजाब सरकार राज दी सरकार जेड़ी राज विच लागू किए जा रहे उन्हां तो पुछे बिना नहीं ले जाने चाहिए विदाउट कंसल्टेशन नहीं रहने चाहिए और जेड़ा लॉ एंड ऑर्डर है वो स्टेट सब्जेक्ट है। ऐसी सक्षम है पंजाब सरकार सक्षम है जे पंजाब सरकार दी पंजाब दी पुलिस अतवाद खत्म कर सकती है ਤਾਂ ਇਹ ਸਕਸ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਲੋਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਕਸ਼ਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 15
किलोमीटर से 50 किलोमीटर करना किसी तरह भी जायज नहीं है, ऐसी इस दा विरोध कर दें। बिल्कुल क्लियर शब्दों के विच कैबिनेट मीटिंग बुलाई है, मैं चिट्ठी लिखी है, FM साढ़े होम मिनिस्टर साहब है, इन्होंने होम मिनिस्टर नूं चिट्ठी लिखी है, कैबिनेट दे विच गल करके पास करांगे, जरूरत पई तां ऑल पार्टी मीटिंग करांगे, बाकी पार्टियां नूं भी नाल लेके चलांगे। ये सारे पंजाब की लड़ाई है, कल्ली किसी एक पार्टी की या कल्ले किसी सरकार की लड़ाई नहीं है। इस करके जे जरूरत पई नहीं होएगा तां स्पैशल विधानसभा का सैशन भी इस मुद्दे ते सद्या जाएगा। ऐसी पंजाब दे विच अमन शांति बहाल करना सरकार की जिम्मेवारी है, ऐसी उस ते खड़े है, किसी तरह भी ऐसी अमन शांति भंग नहीं होने देवांगे। मैं पिछे जे होम मिनिस्टर साहब नूं मिलिया, उन्हां नूं मैं रिक्वेस्ट कीती कि सरकार जिहड़ी मर्जी आवे, मुख्यमंत्री अगला जिहड़ा मर्जी बने, एक मैं थोनों रिक्वेस्ट करदा कि साडा अमन शांति और आपसी भाईचारा सब तो जरूरी है। पंजाब दे विच वख-वख धर्मां दे विच आपसी भाईचारा कायम रहना चाहिए, जात बरादरी या धर्मां दे नाम ते साडे बंदियां नूं एकता होनी जरूरी है। इहदे विच जे कोई भड़ाट करदा वह पंजाब दा दुश्मन है, वह देश दा दुश्मन है। लड़ाई हैगी है फैडरल सिस्टम दी, लड़ाई है पंजाब दे अधिकारां दी, लड़ाई है लॉ एंड ऑर्डर दी, और सरकार पंजाब दी इस नाल पूरी तरीके दे नाल केंद्र सरकार नाल इतफाक नहीं रखती कि जी इहनूं 15 किलोमीटर तो 50 किलोमीटर कर दिता जाए, कोई जरूरत नहीं है। मैनू यह कहा गया जी ड्रोन आउंदे उधर से, उन्हां दी रेंज 50 किलोमीटर है, ऐं तां उधर तो जहाज भी आउंदे, उन्हां दी रेट 200 किलोमीटर है, दिल्ली तक जाती है 250 किलोमीटर तक, उधर तो हैलीकॉप्टर भी आ सकता है, उहदी रेंज उस तो भी ज़्यादा होंदी है। फिर ड्रोन नूं जे रोकना 5 किलोमीटर च रोक लो ना जिथे बैठे हो, 50 किलोमीटर तक करके रोकण दी क्या लोड़ है? इधर साडी पुलिस बैठी है, असीं रोकांगे, जो साडी ड्यूटी है असीं करांगे, जो केंद्र की ड्यूटी है वह केंद्र अपने दायरे में रह के करे। इनिया एक मैं होर बेनती करनी है कि अज कैबिनेट ने फैसला लिया है कि मक्खू पट्टी रेल लिंक है जिहड़ी, उहदा मुआवजा जिहड़ा उत्थे जमीन अक्वायर होनी है, वह पंजाब सरकार बड़ी छेती उहदा मुआवजा दे के अज फैसला ले लिया कि मुआवजा दिता जाए, मुआवजा दे के जमीन ऐसी बड़ी छेती उन्होंने केंद्र सरकार नू रेलवे नू आप खरीद के देवांगे, ताकि ये जिहड़ा रेल लिंक है जिहदे नाल पूरा देश नाल ऐसी जुड़ना, जिहदे नाल जिहदे नाल पंजाब दी इकोनमी दे उपर बहुत बड़ा फायदेमंद असर होना, ये भी ऐसी अज फैसला किया कि तुरंत ऐसी दे दी। थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। सुनो, ऐसे ही कच्चे कर्मचारियों की पॉलिसी लेके आ रहे, उन्होंने पक्के करने की बड़ी छेती आ जाएगी। साडे वालों दिन रात मेहनत और कोशिश की जा रही इंपलाइज नूं ज्यादा तो ज्यादा अकोमोडेट करन दी, अपने बित दे अनुसार असीं जो ज्यादा तो ज्यादा कर सकते हो करांगे। उह सिस्टम लियावांगे जी, उह जिहड़े पक्के हो सकते उन्हां नूं पक्के करांगे। असीं इक अपनी धारणा बनाती है, बड़ी छेती कानून लेके फिलहाल ऐसी अपना जिहड़ा सरकारी रेट है वह फिक्स कर दिता है, ज्यादातर पानी सरकारी ही दिता जाता है, जिहड़ा प्राइवेट वाले है वह आपस दे विच सोसाइटियां बना के चलते हैं, उन्होंने अपने रेट है, उन्होंने बारे च इहदे बारे
ਐਸੀ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੱਸੋ ਸਰ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ ਤੇ ਅਗਲਾ ਫਲੈਟ ਰੇਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅਮਾਊਂਟ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬੜਾ ਦੇਖੋ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਪ ਤੋਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਹਿਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਾਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ ਸਰ ਜੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਦਵਾਂਗੇ ਸੀਐਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਣਾਤੀ ਹੈ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 1160 ਕਰੋੜ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 700 ਕਰੋੜ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਕਸ਼ਮ ਹੈ ਆਪਣਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਜਦ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਜਦ ਭੇਜਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ 13 ਪੁਆਇੰਟ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ 13 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣ 18 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣ 21 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਏ 24 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣ ਜੋ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਐਸੀ ਉਹ ਇਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਲਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਉਠਾਏ ਔਰ ਐਸੀ ਉਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਠਾਵੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਇਹ ਹੈ ਸੁਣੋ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਅੱਜ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਮਸਲੇ